जय गुरु। चलिए आज परम ब्रह्मा श्री ठाकुर जी के वाणी में कैसे मानव जीवन प्राप्त करने पर सर्वप्रथम सद्य जीवन दाता माता पिता के प्रति सश्रद्ध अनुराग और भक्ति का अवलंबन करना है, उसके बारे में आलोचना करेंगे। ऐसे ही कि आमादेर गंतव्य हल ईश्वर प्राप्ति धारण पालनी संवेग सिद्ध व्यक्तित्व तार उपाय हच्छे आचार्य सक्रिय अनुरक्ति तार थेके आसे आत्मनियंत्रण परिवार नियंत्रण समाज नियंत्रण राष्ट्र नियंत्रण और एक राष्ट्र नियंत्रण भीतर दिए सारे विश्वर संगे योग सूत्र रचना करें सवटा निये विवर्धनर दिके एगिए चला आर एक सब गुली के सार्थक कर तोला ईश्वर और प्राप्तिर परम वेदन ऐ आदर्श विनायक। इसका भावार्थ है हमारे जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है धारण पालनी संवेग सिद्ध व्यक्तित्व, अर्थात ऐसे व्यक्तित्व की प्राप्ति हो हमारी व्यष्टिगत और समष्टिगत रूप से सत्ता या अस्तित्व को धारण कर सके पालन कर सके। इसका एकमात्र उपाय है आचार्य में सक्रिय अनुरक्ति, उससे आती है आत्मनियंत्रण परिवार नियंत्रण समाज नियंत्रण राष्ट्र नियंत्रण और राष्ट्र नियंत्रण के माध्यम से अखिल विश्व के साथ योग सूत्र रचना करके सब कुछ साथ लेते हुए विवर्धन की ओर आगे चलना और इन सब कुछ को एक ईश्वर में सार्थक कर डालना और प्राप्ति का परम ज्ञान ही यही है। श्री श्री ठाकुर जी की उपयुक्त वाणी पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि मानव जीवन प्राप्त करने पर सर्वप्रथम सद्य जीवन दाता माता पिता के प्रति सश्रद्ध अनुराग और भक्ति का अवलंबन कर सबके जीवन के उच्च परम पुरुष जिन्हें हम आचार्य या इष्ट आदर्श के रूप में जान पाते हैं उनके प्रति श्रद्धा संपन्न होकर उन्हें ग्रहण करना उन्हीं के अनुशासन में चलना उन्हें अपना लेना यही जीवों का एकमात्र पथ है। जय गुरु।